हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वेडनेसडे और गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 9:45 शायद, और यहाँ से मेरा एक नया ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो किचन में हूँ, देख पा रहे हो। और मैं अभी जस्ट आई हूँ इस काल, कुछ रात तक, मतलब काल था बसंत पंचमी, तो उसी हिसाब से सुबह शाम दोनों टाइम का स्पेशल स्पेशल खाना बनाई थी। तो रात का जो मेनू था उसमें एक गोभी आलू फूल गोभी रोशा बोलते हैं हमारे, तो गोभी और आलू के साथ झोलदार एक सब्जी बनाते हैं, वो था, रिच होता है। और कड़ाई छोटी कचौड़ी मीन्स हरा मटर का स्टाफ डाल के कुछ बना के पेस्ट करके स्टाफ डाल के एक कचौड़ी बनाया जाता है, वो बनाई थी। तो अभी भी मैं वही मतलब कचौड़ी अभी तेलने वाली हूँ, वो बना के रखा था ये अभी मैंने फ्राई करूंगी। और वो सब्जी तो रखा हुआ है और उसके साथ टमाटर का चटनी भी है, वो इसीलिए मतलब ज्यादा कुछ मैं अभी नहीं बना रही हूँ, जस्ट ये पूरी तेलना है, सब्जी को गर्म करना है, काल का जो सब्जी था। सो चलो फटाक से मैं ये सब बना लेती हूँ, क्योंकि 9:45 तो टाइम हो रहा है ना, संदीपन भी थोड़ी देर में ही निकल जाने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे फटक से करना होगा, बाद में बातें करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो संदीपन निकल गया है और मैं भी अभी मुझे भूख भी मुझे भी लग चुकी थी, तो मैं छोटा मोटा जैसा खाना मिला कचूरी एक खा लिया, उसके साथ एक दही और लड्डू का चूर बना के, मतलब लड्डू के मतलब चूरमा चूरमा टाइप का थोड़ा सा बना के उसमें दही मिला के, वो संदीपन भी सेम टू सेम ब्रेकफास्ट छोटा मोटा एक एक पूरी खा लिया, मतलब कचूरी और उसके साथ वो हो गया। और गाइस अभी बहुत सारा काम तो है ही, पर सोचा उसके पहले आबू के साथ मिल लेती हूँ। और आज मैं सर पे ऑयल भी लगाऊंगी, तो जैसे मैं शैम्पू करती हूँ जिस दिन ऑयल लगाती हूँ उस दिन ही मैं शैम्पू कर लेती हूँ, इसलिए एक घंटा मैं रखती हूँ, ज्यादा नहीं एक घंटा ही रखती हूँ मैं। तो सोचा पहले आबू के साथ बातें कर लेती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट चली जाऊंगी सर पे ऑयल लगाने, फिर मतलब काम पे लगूंगी। और खूब 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 सारा काम है आज, मैंने हो गया बहुत दिन से कपड़ा मतलब धोने के बाद ऐसे ही रख दिया, उसको फोल्ड नहीं किया अच्छे से, वो करूंगी। फिर किचन में बहुत ज्यादा बर्तन भी है, कल रात जो बनाई थी ना उसके बाद ना मैंने कुछ मतलब बर्तन वगैरह कुछ क्लीन ही नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया था, अच्छा नहीं लग रहा था कल, क्योंकि कल सरस्वती पूजा था और सुबह का एक खाना होता है हमारे, एक मतलब जैसे कुछ ओकेशन ही मतलब बंगाली के खाना होता है बेसिकली। मतलब इतना ज्यादा वैरायटी उसमें हो जाता है, इसका अगले वीडियो पे जैसे मैंने दिखाई दी पत्ता गोभी फूल गोभी सब लेके बैठी थी, तो वैसे ही मैं पत्ता गोभी का एक हमारे बोलते हैं बांधा गोभी घंटों वो बनाई थी सुबह, और उसके साथ खिचड़ी। रात को कुछ और बना था, रात को जैसे ये बोला ही कचौड़ी बनाई थी मटर वाला स्टाफ डाल के, फिर गोभी जो एक आलू के साथ में सब्जी बनाई थी झोलदार रोसा बोलते हैं हमारे फूल गोभी रोसा, वो चटनी खीर बनाई थी उसके साथ, क्या थे हाँ खिचड़ी सुबह का खिचड़ी था, फिर वो पत्ता गोभी का सब्जी था, ये सब हो गया था। बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो गया था, उसके साथ ये जो दही वाला मैंने बोला ना लड्डू को चूरमा बना के, फिर वो था, बहुत ज्यादा हो गया था। फिर खाना बनाना, उसके बाद सर्व करना, उसके बाद बर्तन क्लीन करना, वो सब तो बहुत टाइम लगता है ना,
तो इसीलिए कल टायर्ड हो गई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। सो गाइस चलो अभी और ज्यादा मैं बकबक नहीं करूंगी, अभी मुझे जाना होगा, मतलब सर पे ऑयल लगा के काम करूंगी, फिर बाद में मिलती हूँ। ठीक है, हाँ गाइस, टाइम हो रहा है 2:45। टाइम हो रहा है, मैंने स्नान कर लिया, देख पा रहे हो वो, और स्नान करके पहले मैंने पूजा किया, और अभी खाना भी खाना होगा, लंच करना होगा। सो उसके लिए जो गोभी का जो सब्जी था बचा हुआ वही मैं ले लूंगी, और उसके साथ राइस भी बचा हुआ है फ्रिज में रखा हुआ था, अभी निकाल के लाई हूँ, और इसको जस्ट अभी घी के साथ हल्का सा फ्राई कर लूंगी, और उसके साथ मतलब फ्राई गर्म भी हो जाएगा राइस, और फ्राई राइस टाइप का बन जाएगा, वही मैं अभी खा लूंगी। और चलो फटक से ये बना लेते हैं। एक मैं हाय बोल रही हूँ और एक मेरा नया फोन हाय बोल रहा है आप लोगों को। सो यही मेरा सरप्राइज था, माय न्यू फोन। जो मेरा पुराना फोन था वो एक्सचेंज करके मैंने नया फोन लिया, आपसे मैं ये नया फोन से ही आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाऊंगी। हाँ ठीक बोला ना, सही बोला मैंने। तो अब से मैं ये न्यू फोन से ही मेरा वीडियो में शूट करूंगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये मेरा सरप्राइज था। और मैं भी खुद भी सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे भी एक दो तीन दिन पहले एक 2 दिन पहले ही पता चला मेरा नया फोन आने वाला है। उसके पहले पता था हाँ एक्सचेंज करेंगे करेंगे, ऐसा दिमाग में तो था, पर सडनली वो हो भी जाएगा ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था। सो हो गया अभी, और आप लोगों के साथ भी मैंने मीट करा दिया मेरा न्यू फोन का। तो कैसा वो लगा मेरा न्यू फोन बताना जरूर। ठीक है, बाय। Thank you.
डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, ऑलमोस्ट डन भी हो चुका है एक चीज छोड़ के, जो चीज मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, एक अंडा लिया, एग, और यहाँ पे देखो एक पोटैटो लिया, ग्रेट कर लिया मैंने, एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसका आधा पोर्शन आधा काट कर लिया, और ये है मिर्ची, ये ग्रीन चिली मैंने चॉप कर लिया, रेड एंड मतलब ग्रीन मिक्स करके, नमक, हल्दी, यहाँ पे रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर राइस फ्लावर लिया। ओके, और अभी क्या करूंगी, ये सब चीज को मैंने मिलाऊंगी बिना पानी दे के, इसका पकोड़ा बनाऊंगी, ठीक है, दाल राइस के साथ खाने के लिए। देखो, सारे चीज़ को एक साथ मैंने मिला रही हूँ और पानी बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो अंडे दिया ना, अंडे से इसको अच्छे से मैंने कोट कर लिया, और प्याज को भी मैंने स्लाइस कट किया था, और देखो यहाँ पे अभी इसको गोल्डन ब्राउन करके मैंने अच्छे से फ्राई करूँगी, और कोशिश करना मस्टर्ड ऑयल पे ही फ्राई करने का, टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है। नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने यूज़ किया, लाल मिर्च पाउडर में मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया, और आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, और ये मेरा पकोड़ा रेडी हो गया। दाल और राइस आज बनाई, उसके साथ ये पकोड़ा, स्पेशली दाल के साथ ये पकोड़ा बहुत ही अच्छा लगेगा, आप चाय के साथ भी खा सकते हो। और देखो, हम लोग अभी कर रही हूँ डिनर। सो गाइस, चलो आज का ये वीडियो ना मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना। ओके, टाटा, गुड नाइट एंड बाय।